इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। जय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सब। मेरा नाम ओएस मोहम्मद साबरी है और मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे कुछ जुमले हैं जिनके हवाले से मालूमात लेना चाहता हूं। मैंने फेसबुक पे तौबा की थी और साथ ही एक शख्स जिसका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर झेलमी है जिसके हवाले से तासुरात दिए थे। उसका एक फॉलोवर था जिससे मेरी बहस हुई थी। मेरे जुमले ये हैं। फर्स्ट पॉइंट, मिर्ज़ा झेलमी सूफिया और औलिया के ख़िलाफ़ बात करता है जिससे जिन सूफिया को सारी उम्मत तस्लीम करती है। सेकेंड पॉइंट, सारी उम्मत जानती है क़ादियानी दज्जाल के मसले के हवाले से और उसकी कम्युनिटी के। पहले पॉइंट में उम्मत लफ्ज़ जब मैंने लिखा तो मैंने एक सुन्नी आलिम साहब की बात को कोट किया, मगर दूसरे पॉइंट में जब उम्मत लफ्ज़ कहा लिखा तो मैंने सब कलीमा गो को उम्मत मुस्लिमा गुमान कर लिया। हालांकि मैं जानता हूं इस मसले के हवाले से कि सारे कलमा को मतलब मन शक्का फ़ी कुफरी वादा भी फ़कत कफर, तो ये मसला मैं जानता हूँ। तो बहरहाल मैंने इस तरह, पता नहीं ये क्या है, ये वसवसा है या ये हकीकत में मैंने ये कहा। बहरहाल वो शख्स इजमा उम्मत के ख़िलाफ़ काम कर रहा था जो इसका मिर्ज़ा जेलमी का फॉलोवर है ना, तो मैंने वो इजमा उम्मत भी मेरी ये बात बतानी थी। बहरहाल आप इसके हवाले से मुझे बताइएगा। तो मेरे दो सवाल हैं इस हवाले से। पहला सवाल ये है कि इन अल्फाज में क्या मेरी नियत का एहतमाल होगा, चाहे मेरी नियत जो भी हो, क्या मुझ पर फतवा लगेगा? जो भी नियत हो मेरी, मतलब ये जब मैंने लफ्ज़ उम्मत लिखा था तो जो भी मेरी नियत हो उसमें, क्या इस पर मुझे फतवा लगेगा? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे दोस्त ने मेरे पोस्ट को शेयर किया और उसको मैंने कहा कि निकाल दो पोस्ट, उसने निकाल दिया और दीगर दोस्तों ने भी मेरा पोस्ट लाइक किया, तो इस हवाले से मुझे इरशाद फरमाएगा। मैं थोड़ा परेशान हूँ और अगर मुझे तौबा करनी है तो किस तरह तौबा करनी है ये भी इरशाद फरमाइएगा। मैंने आपको जो है ना अपनी तौबा ईमेल की है, जो मैंने फेसबुक पे तौबा की थी, तो मेरा ईमेल एड्रेस है avesabri@yahoo.com, इस पर मैंने आपको किया है। मेहरबानी मुझे इसका जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। और क्या मेरे दोस्तों के लिए भी कुछ मसला होगा हुजूर, ये भी इरशाद फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आपने जो पोस्ट लिखी है किसी बद मज़हब के रद में, उसमें उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो ऐसे काम करता है जो उम्मत के ख़िलाफ़ हों या फिर उम्मत में ऐसा होता है, तो इस तरह अल्फाज उम्मत का इस्तेमाल करने से, यानी कोई तोहीन आपकी बातों से और अल्फाजों से और जो आपने ईमेल लिखा है उसमें नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई तौबा किसी किस्म की लाजिम आ रही, ना ही कोई ऐसा कुफ्र का मामला है। इस तरह तो आम हालात में भी उलमा को आपने दुआ करते सुना होगा कि अल्लाह ताला उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, बल्कि हदीसों से भी साबित है। तो वहाँ उम्मत से मुराद हमेशा सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान ही मुराद होते हैं, चाहे बंदा उर्फ़ आम में इसको उम्मत से तशबीह दे। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा ये कह रहा है कि अल्लाह ताला कादियानी की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि जो कलमा गो हैं लेकिन उनके कोई ऐसे अकीदे हैं कि जो कुफ्र पर मबनी हैं, जैसे आखिरी नबी को ना मानना या कुरान को ज़्यादा मानना, जैसे कि शिया हज़रात के अकीदे हैं जो कुफ्रिया हैं, जैसे हज़रत अली को नबी के दूसरे नबियों की बराबर या अफजल समझना जो कि कुफ्र है, इसी तरह इस कुरान को पूरा ना समझना जो कि कुफ्र है, फरिश्तों से गलती होती है ये अकीदा रखना जो कि कुफ्र है, तो ये तमाम बातें, या फिर नबी को आखिरी नबी ना मानना, तो ये तमाम बातें या अकीदा रखने वाला इंसान बेशक काफिर होगा और ऐसा काफिर होगा कि इसके कुफ्र में शक करने वाला शख्स भी काफिर होगा।
इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स की अकीदा रखता है तो उसको यकीनी तौर से काफिर ही जानना पड़ेगा और काफिर ही मानना पड़ेगा, बल्कि शक भी नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है। पूरे यकीन के साथ ही ऐसे को काफिर कहना है कि जो गुस्ताख रसूल हो। नबी को आखिरी नबी ना मानना ये भी एक गुस्ताखी है, यानी उनके मनसब में एक गुस्ताखी है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा कहता है, अल्लाह ताला उम्मत पर रहम फरमा या उम्मत के लिए आसानी फरमा, तो बेशक वहाँ ये बद मज़हब कादियानी राफजी या जितने भी फ़िरका बातिला हैं ये मुराद नहीं होते, तो ऐसा कहने वाले के लिए कोई तौबा लाजिम नहीं है। बल्कि ये तो जुमले जो हैं वो उर्फ़ में बिल्कुल जारी हैं अक्सर उलमा से, बल्कि हदीसों में कसरत के साथ इस तरीके के अल्फाज आपको मिल जाएंगे, तो इसमें कोई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर आप पे यह एतराज़ किया कि आपने बोला उम्मत के लिए तो आपने कादियानियों के लिए भी दुआ कर दिया, ऐसे जुमले लिख दिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब उम्मत कहा जाता है दुआई अल्फाज में या अल्लाह ताला से रहम के लिए, उम्मत पे रहम के लिए, तो वहाँ सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही मुराद होते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि कुरान पाक में मुसलमानों के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि वो ऐसे घर में रहेंगे जिसके नीचे नहरें रवा हैं, तो ये मुसलमानों को खुशखबरी दी है। वैसे तो इस दौर में कादियानी भी ख़ुद को मुसलमान कहता है, तो क्या ये हुक्म उनके लिए भी होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से कहा जाता है हदीस पाक में कसरत से कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसकी गईबत ना करो, उसका यानी उसकी चुगली तुम पर हराम, उसकी गईबत तुम पर हराम, दिल आज़ारी हराम। तो मुसलमान मुसलमान का भाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो अपने आप को मुसलमान कहे वो भाई हो जाएगा। कहने को तो कादियानी भी मुसलमान कहता है, लेकिन बदतरीन काफिर है, बदतरीन मखलूक है। तो इसी तरीके से जब लफ्ज़ मुसलमान भी कहा जाएगा तो वहाँ काफिर लोग मुराद नहीं होंगे, सही अकीदा सुन्नी आशिक रसूल ही मुराद होंगे, तो इस पर कोई तौबा लाजिम नहीं होती। तो इस तरीके के आपके जो जुमले आपने ईमेल किए हैं उसकी मिसालें कुरान हदीस में बहुत कसरत से मौजूद हैं, और लफ्ज़ों का एतबार जो है वो बाज़ मरतबा उर्फ पर किया जाता है कि जो हमारे उर्फ में जारी सारी होते हैं लफ्ज़ से हमारे वही मुराद लिया जाता है। इस मसले की अच्छी तफसील अगर देखनी सुननी है तो आप मेरी वो वीडियो देखें जिसमें हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, यानी अहले बैत को या रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। उस मसले पे आपको इंशाअल्लाह ताला अल्फाजों पर तफसील मिल जाएगी कि उर्फ में अल्फाज जारी और सारी होने के क्या मायने, क्या अहमियत होती है। तो वो वीडियो आप इंटरनेट पर आसानी से सर्च कर लें, यूट्यूब पर टाइप करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट अहले बैत अलैहिस्सलाम कहना कैसा, तो आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो मिल जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।